हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार, स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, आज है आपका टारगेट डे 16 और आज हम कुछ नए चैप्टर्स का भी शुरुआत करेंगे और कुछ नए चैप्टर्स को प्रारंभ करने के साथ साथ कुछ पुराने जो चैप्टर्स है उसको ख़त्म भी कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि भैया गाइडेंस चाहिए, तो उन्होंने शायद अभी यूट्यूब नहीं देखा है। तो इंस्टाग्राम पर जो भी मैसेज कर रहे हैं डायरेक्टली, वो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे जो भी गाइडेंस चाहिए, हर गाइडेंस का आपका वीडियो पड़ा हुआ है, आप आराम से देखिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो जो मैंने नहीं बताया हो, वो आप डायरेक्टली पूछो, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। और बात रही कमेंट की रिप्लाई का, तो कमेंट का जो रिप्लाई है मैं रेगुलर दे देता हूँ। रेगुलर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लगभग 200 से 250, तो सबका दे पाना एक टाइम मुश्किल होता है। लेकिन डेली मैं 50-60 कमेंट जितना भी होता है मैं दे देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं उनको ज़रूर देता हूँ, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और आपका अगर कमेंट नहीं देता हूँ तो पढ़ता ज़रूर हूँ, और क्योंकि वो पॉपअप में आता है नोटिफिकेशन, तो उस टाइम पढ़ लेता हूँ, बाद में मैं रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। और वीडियोज़ में तो आपका आंसर, उस कमेंट का आंसर दे ही देता हूँ। तो अभी वर्तमान में कमेंट आया था कि भैया ITI और पॉलिटेक्निक किया हूँ और साथ में ग्रेजुएशन भी किया हूँ सेम सेशन में, तो क्या करूँ। तो ITI, पॉलिटेक्निक और ग्रेजुएशन वालों के लिए मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ। अभी फॉर्म आया है, टेक्नीशियन का भी आया है और NTPC का भी आने वाला है और RPF वगैरह ये सब। तो अब टेक्नीशियन का भरोगे तो ITI का यूज करोगे, और उसके साथ साथ बाद में NTPC आएगा तो भरोगे। तो एक बार अगर आपने ITI सबमिट कर दिया तो आपका ग्रेजुएशन एक्सपायर है, ग्रेजुएशन लेवल पे कोई लाभ नहीं ले सकते। और एक बार अगर ग्रेजुएशन आपने शो कर दिया तो ITI पे कोई लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाता है, फ्रॉडरी पर आपका ऊपर कुछ कार्रवाई भी हो सकता है। तो आप यहाँ क्या करना कि ITI पे आप टेक्नीशियन भर दो और +2 लेवल पे आप इंटर भर ये NTPC भर दो, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा है, आपका दोनों यूजेबल है। दूसरी बात, अगर टेक्नीशियन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चल के क्या करना, डिस्टेंस से आप ग्रेजुएशन कर लेना IGNOU वगैरह से, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से। अगर टेक्नीशियन के बदले NTPC में सिलेक्शन हो गया तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ ITI की ज़रूरत ही नहीं है, जाके बस +2 के बाद ग्रेजुएशन शो कर ली। थोड़ा सा घाटा है, जैसे हमारे बीच हुआ था, हम 19 में फॉर्म भरे तो उस टाइम हमारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। 2021 मतलब 2021 में हमारा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ BSc, तो उसके बाद हम अभी अपना ग्रेजुएशन का डाटा सबमिट कर दिए हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हो सकूँ जो उस लेवल पर हो। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा कमेंट जो आ रहा है ना, वो कि भैया मैथ्स जो है हमने क्लास ले रखी है, किसी की बैच ले रखी है, पेड कोर्स ले रखी है, लेकिन आपका जो टारगेट मिल रहा है उन दोनों को एक साथ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो उनके लिए एक बात बता रहा हूँ मैं, मैथ्स अगर आपने कोर्स लिया है तो रेगुलरली उस कोर्स से कंसेप्ट को पढ़ो और सिर्फ मेरे टारगेट में से मैथ का प्रैक्टिस करो। और आदित्य रंजन सर के कंसेप्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कोर्स लिए हैं उसको पढ़ो, उसका नोट्स बनाए हो उसको पढ़ो, और सिर्फ आप अपने कंसेप्ट की रिवीजन करने के लिए अगर किताब का इस्तेमाल करना चाहो ब्रह्मास्त्र का तो कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ अपने नोट्स का रिवीजन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करो, ठीक है। अब बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो डेली मैं वीडियो लेक्चर उसमें आपको दे दिया हूँ और डेली जो है आपको चैप्टर वाइज देता हूँ, जो कि ख़त्म हो जाएगा महज 70 दिन में। उसके बाद 30 दिन में हम एडवांस रीजनिंग चलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अगर आप थ्योरी पढ़ने के लिए कोई बुक ही लेना चाहते हो, सोचते हो कि हम वीडियो लेक्चर नहीं बुक से सेल्फ स्टडी कर लूँगा, तो पीयूष वर्सन है सर का रीजनिंग आता है, अभी नया अपडेट भी होगा मार्केट में, तो आप वो ले लेना। पहले से अजय सिंह का जो चलता आ रहा था किताब मोटी वाली, वो भी ले सकते हो, वो भी सीखने के लिए बहुत बेहतर किताब है। लेकिन अपडेट वर्जन का बुक्स जो है उसमें शायद नहीं रहता है, बहुत ही एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो है नहीं रहता है, क्योंकि कंसेप्ट सीखना और उस कंसेप्ट को सीख के उस एग्जांपल्स को बनाना जो एग्जाम्स टाइप का हो और फिर उसका प्रिवाइज कर लगाना, तो इस तरीके से जो भी एडवांस टीचर्स हैं वो अपने बुक्स को अपडेट करते हैं, तो इसलिए आप पीयूष वर्सनाय का बुक ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं GK के लिए, तो इंग्लिश मीडियम में कुछ लोग SPD पढ़ रहे थे, तो उनको मैं बता रहा हूँ भाई SPD बेस्ट बुक है, आप इंग्लिश मीडियम में ले लो। इंग्लिश मीडियम में SPD लेने का जो ऑप्शन है वो अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, या फिर अगर आपके नज़दीकी दुकान है, खास करके साउथ इंडियन जो भी हैं हमारे मित्र जो दोस्त मेरे को मैसेज करते हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हो सकता है भाई इधर बहुत कम हो कंपटीशन के प्रिपरेशन करने वाले, इसलिए इधर डिमांड नहीं हो, आप फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगा लो, ठीक है। आप इसके अलावा आप नॉर्थ इंडिया तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इस बार अगर घर गया तो बल्क में कुछ बुक्स लाऊंगा उधर से जो इधर नहीं मिलता है,
और डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब आज का टारगेट जो है शुरू करते हैं। आज के टारगेट में थोड़ा सा डोज बढ़ने वाला है, रीजनिंग का, मैथ्स का भी, तो घबराना नहीं है, क्योंकि अब देखो धीरे धीरे मेहनत करने का आदत डालो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, रील्स मत देखो, ये आपका क्या बोलते हैं IPL मत देखो, ठीक है, सेक्रीफाइस कर दो अपने 2024 को सिर्फ पढ़ाई में, सिर्फ सिलेक्शन के लिए और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। मिलेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा तो हम, तो फिर आपको फीडबैक जानेंगे कि आपने क्या क्या अवॉइड किया था अपने सिलेक्शन के दिनों में, किस तरीके से मेरे गाइडेंस को फॉलो किया, कितने सटीक तरीके से गाइडेंस को आप निभा पाएँ, तो उस समय आपका साथ मैं बात करूँगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टारगेट। आज है आपका टारगेट डे 16। 15 तक का टारगेट डे जो है आपने भरी भांति कंप्लीट कर लिया होगा और अपने इम्प्रूवमेंट को आपने देखा भी होगा, किस तरीके से आपने अपने मॉक टेस्ट में स्कोर बूस्ट किए और बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके बहुत सारा कुछ आपने सीखा। प्रॉफिट एंड लॉस का आज आखिरी दिन है, आज इसको हम निपटा देंगे, क्योंकि फिर अगले दिन हमको डिस्काउंट शुरू करना है जो इसके ही एक छोटे से भाग के रूप में आता है। तो प्रॉफिट लॉस को क्या करना है, आज पूरे कंसेप्ट को एक बार और रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपके, ये तीसरा बार रिवीजन चल रहा है, तो तीसरी बार रिवीजन के बाद आपको पूरा कंसेप्ट मेरे को मालूम है, क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद टाइप 2-3 से लेकर 10 तक बचे हुए हैं, कम सवाल हैं, लगभग बहुत सारे सवाल नहीं हैं, सब में थोड़े थोड़े सवाल हैं, इसलिए मैं पूरा टाइप उसको दे दिया हूँ कि आज आप प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म कर दो। ठीक है, तो 280 के करीब में होंगे सवाल, इससे ज़्यादा होंगे 2-4, तो आपको ख़त्म कर देना है आज का ये जो मैथमेटिक्स है। इसके साथ अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, जो आपका निपट चुका है, सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने लगाए हैं, तो मॉक टेस्ट में आपको पकड़ने में बहुत ही आसानी होगी। कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है, बहुत ही आसान है, ABCD नंबर्स ये सब की कोडिंग करनी होती है, इसका छोटा शॉर्ट वीडियो टाइम मिलेगा तो बना दूंगा, आप वीडियो लेक्चर को देख करके बढ़िया से तरीके सीख लो कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद टाइप 1 को प्रैक्टिस करो। टाइप 1 में लगभग 300+ क्वेश्चंस है, आपको जितनी इच्छा करे आप करो, बस सेम टाइप्स का क्वेश्चन को 50 बार नहीं बनाना है, 2-3 बार 4 बार बना लिए, कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया, उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब बात करें अगर GK की, तो GK में अभी तक जो भी चल रहा है पैरेलली, इतिहास, आपका भूगोल और पॉलिटी, ठीक है ना, तो इसमें आप हिस्ट्री मैथ्स पढ़ोगे, पुष्यवती डायनेस्टी, जिसको हम लोग वर्धन वंश भी बोलते हैं, या फिर ये पुष्यवती वंश भी बोलते हैं, जिसे इसी में हर्षवर्धन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, भेनसंग, तो इसमें अच्छा क्वेश्चंस बनता है। वाकाटॉप को हॉल पे रखा है, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे, अगर टाइम बचा तो उसको कवर कर लेंगे। ओके, ज्योग्राफी में कल आपने यूरोप पढ़ लिया होगा बढ़िया तरीके से, यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, तो आज आपको पढ़ना है अंटार्कटिका और अंटार्कटिका इंडिया। अंटार्कटिका इंडिया का मतलब है अंटार्कटिका में भारत के जो शोधतंत्र हैं, कौन कौन से शोधशाला बनाए गए हैं, इन सबको आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से, जो इंडियंस रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कन्फर्म पूछे जाते हैं। पॉलिटी की बात करें तो फेडरल पार्लियामेंट मतलब संघीय संसद, संघीय संसद आपको मालूम है संसद का फॉर्मेशन क्या है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये संसद का फॉर्मेशन है, तो संसद में आपको आज राज्यसभा कवर करना है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, क्या क्या उसमें पदावधियाँ होती हैं, प्रत्येक स्टेट वाइज राज्यसभा की कितनी सीटें हैं किस स्टेट में, और इसके साथ साथ राज्यसभा में कार्यकाल, कार्यभार और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे, फिर हम अगले दिन लोकसभा को पढ़ेंगे। तो आज आपको सिर्फ ये फेडरल पार्लियामेंट का राज्यसभा को ही पढ़ना है। ठीक है, अब बात करें साइंस की, तो साइंस में 9th का जो है आपने ख़त्म कर लिया होगा पूरा, कल वीडियो लेक्चर भी रिवीजन कर लिया होगा। आज क्या करना है आपको, चैप्टर 1 10th क्लास NCERT का वीडियो लेक्चर के साथ साथ बुक्स को देखना है, वीडियो लेक्चर पढ़ो फिर बुक्स पढ़ो, फिर बुक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लाइन दिखाई दे रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लो नेक्स्ट रिवीजन टाइम के लिए। ठीक है, तो आपको चैप्टर 1 का वीडियो भी देखना है और बुक भी पढ़ना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। कैलकुलेशन कभी नहीं छोड़ना है, कैलकुलेशन डेली करोगे, करत करत अभ्यास सुजमति होत सुजान, मतलब अभ्यास करते करते आप इतना परिपक्व हो जाओगे कि उसके बाद कलम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मन में ही सोच लोगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में अपना डाउट्स ज़रूर लिखना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना और वहाँ पे अभी अपना डाउट्स ज़रूर पूछना, टाइम मिले तो मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंदू।